हेलो फ्रेंड्स, आपने हमारा चैनल इंडेक्स वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को भी दबा देना जिससे हमारा नया वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपको बताऊंगा वोकैब 24 एप्लीकेशन के बारे में कि ये एप्लीकेशन क्या है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से कितनी इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये इसका आइकन है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आपको नहीं मिलती है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर पे आप एप्लीकेशन डायरेक्ट ओपन हो जाएगी और आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये एप्लीकेशन क्या है, इसके क्या फंक्शन है। और ज़्यादातर ये एप्लीकेशन है वो मोस्टली बैंक और एसएससी की जो कोचिंग करते हैं, कंपटीशन की एग्ज़ाम करते हैं, उन्हीं के लिए बनाई गई है, उन बच्चों के लिए ही। बट जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वोकैब सीखना चाहते हैं, एडवांस वोकैब सीखना चाहते हैं डेली अपडेटेड, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये एप्लीकेशन। जैसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ इसके फीचर क्या क्या हैं। ओपन करने पे ये आपको लोगो दिखेगा, इसके बाद में आपको डेली डेट वाइज अर्ली मॉर्निंग ये न्यूज़पेपर मिल जाते हैं, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम, ये एप्लीकेशन आपको डेट वाइज आपको डेली मिल जाएंगे। जैसे आपको पहले का न्यूज़पेपर निकालना हो तो ऊपर से आप डेट चेंज करोगे, उस डेट का आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा। या फिर यहाँ पे कॉर्नर में कैलेंडर का ऑप्शन भी दिया है, यह कैलेंडर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो कैलेंडर ओपन होगा। एक सेकंड, कैलेंडर ओपन हो जाएगा, इसमें आप जैसे कोई सा भी मंथ या ईयर सेलेक्ट करोगे तो उस डेट का आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा। बट आपके फ़ोन में नेट होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं चलेगी एप्लीकेशन, ऑनलाइन ही चलेगी। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, मैं फर्स्ट पोस्ट यही ओपन करता हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद ये ओपन हो जाती है पोस्ट, ये अभी की पोस्ट है रिसेंटली। इसका टाइटल है ए ग्रोइंग ब्लॉट ऑन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो अभी हैदराबाद में केस हुआ था उसी के ऊपर ये पोस्ट है। तो आप सपोज़ आप इस पोस्ट को रीड कर रहे हो तो जैसे ही आप किसी भी वर्ड के ऊपर टेप करोगे, अंगुली रखोगे, तो आपको उसका मतलब हिंदी में पता चल जाएगा। जैसे आपको रीज़न है, जैसे आप पोस्ट पढ़नी स्टार्ट की, वाइल देयर इज ए रीज़न टू बी कंसर्न्ड अबाउट डिले इन रैप ट्रायल्स, ए हैदराबाद लाइक सॉल्यूशन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। सपोज इसमें आपको सॉल्यूशन है, उस वर्ड का मतलब नहीं पता, सॉल्यूशन, मैंने सॉल्यूशन पे क्लिक किया, नीचे उसका हिंदी में मतलब आ गया है कि सॉल्यूशन का मतलब है ये। एक सेकेंड, मैं इसको एक सेकेंड, सॉल्यूशन का मतलब नीचे आ गया समाधान। जैसे मैंने दूसरे वर्ड पे क्लिक किया, रीजन, रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण। तो ये बता देता, आप वर्ड टू वर्ड टेप करते रहोगे ये आपको मतलब बताता रहेगा। जैसे आपको कल्चर, जिस लाइन में आप जहाँ भी रीड कर रहे हो, रिफ्लेक्ट का आपको नहीं पता कि रिफ्लेक्ट का मतलब reflect. क्या होता है, जैसे आप टेप करोगे उसका मतलब आ जाएगा। तो जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, थोड़े वीक हैं, गांव से होते हैं, उनकी थोड़ी वीक होती है इंग्लिश, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी ये एप्लीकेशन, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर मीनिंग ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। क्योंकि न्यूज़पेपर में, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ में डिक्शनरी लेके बैठते हैं, तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और स्टूडेंट के लिए टाइम ही इम्पोर्टेंट होता है, बिना उसके कुछ नहीं है। तो ये एप्लीकेशन स्टूडेंट के लिए बनाई गई है। जैसे इसके अंदर और भी काफ़ी सारे फीचर हैं, जैसे वोकैब का है दूसरा ऑप्शन, वोकैब पे आप क्लिक करोगे, इसके अंदर 10 वोकैब मिलेगी आपको डेट वाइज। जैसे मैं मेरा वाईफाई ऑन करता हूँ, ऑन है, एक सेकेंड, डेट वाइज आपको एप्लीकेशन ये वोकैब मिल जाएगी। पर डे इसमें 10 वोकैब अपलोड होती हैं,
यहाँ भी आप डेट वाइज आगे पीछे कर सकते हो। कैलेंडर का ऑप्शन है कि आपको बैक पीछे इससे नवंबर में किसी डेट की आपको वोकेब निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। जिस डेट पर क्लिक करोगे उस डेट की वोकेब आ जाएगी। डिसेमिनेट टॉप साइड ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे स्वाइप तो नेक्स्ट वोकेब आ जाएगी 2, 3। रिटेलिएशन इसमें आपको सिनोनिम भी मिल जाते हैं, एंटोनिम मिल जाते हैं, साथ में आपको एग्जांपल भी मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है ये। तो जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की उनको एक बार इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना चाहिए। मुझे उम्मीद है वो इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं करेंगे। जो तैयारी करने वाला नहीं है वो तो कर देगा, बट जो रियल में ही सच्चे मन से तैयारी कर रहा है वो कभी इंस्टॉल नहीं करेगा इस एप्लीकेशन को। इसमें क्विज का ऑप्शन भी है, डेली टेस्ट दे सकता है, 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 मिनट का टाइम रहेगा, एक नंबर हर क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, प्लस 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी जो हर एग्ज़ाम में होती है। ये एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही टेस्ट लेते हैं, डेली क्विज डालते हैं इसके अंदर। और ये प्राइम ऑप्शन है इसके अंदर, इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस अपलोड किया हुआ है इनका, ग्रामर A to Z, वोकैब, कॉम्प्रहेंसिव, idiom एंड phrases, फ्रेज वर्ब, रूट वर्ड, सिमिलर वर्ड हैं वो भी हैं, 800 प्लस टेस्ट जो इन्होंने अपलोड कर रखे हैं इनकी टीम ने, वोकैब के गेम भी हैं, गेम के अकॉर्ड के द्वारा भी आप वोकैब सीख सकते हो, वोकैब डिक्शनरी भी है। ये इनका पेड वर्जन है, इसके लिए आपको कुछ चार्ज देना होगा, उसके बाद ही आप ये फंक्शन है उनका यूज कर पाओगे। तो जो तैयारी करने वाला है उसके लिए कोई 200-300 रुपये ज़्यादा नहीं है, वो दे के ये पेड टूल भी वो परचेज कर सकता है, यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। आप प्रोफाइल में आओगे तो अपग्रेड पे क्लिक करोगे, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप ये ऑप्शन ऑन कर सकते हो, या फिर जैसे आप ऑन करोगे तो टोल फ्री नंबर रहेगा, इनकी टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी आपको, ऑन कॉल सब कुछ वो समझा देंगे, कैसे परचेज करना, कैसे यूज में लेना, सब कुछ वो गाइड कर देंगे, क्योंकि वो पैसे ले रहे हैं तो सर्विस भी अच्छी देंगे। इसमें फंक्शन मिलता है ट्रांसलेट का, प्रोनंसिएशन का, स्पेलिंग चेकर, स्कैनर, माई बुक, माई डाउनलोड, ये ऑप्शन है वो सब फ्री हैं, ओनली ये प्राइम वाला ही चार्जेबल बेसिस है। ट्रांसलेटर है, उसमें आप ट्रांसलेट पर क्लिक करोगे, जैसे आपको कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, इसमें भी ऑप्शन है, हिंदी इंग्लिश ज़्यादातर मैन सब लैंग्वेज अपलोड है, तो आप यहाँ पे जैसे अपलोड लिखोगे कुछ भी, जैसे आपको मीनिंग नहीं आ रहा, इंटीग्रिटी INTEGRITY, इंटीग्रिटी, टेप टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेट पर क्लिक करोगे, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है इसलिए बता नहीं रहा, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा टेप टू ट्रांसलेट पर क्लिक करते ही ये बता देगा। स्कैनर भी काफ़ी अच्छा फंक्शन है, आपके पास फ़ोन में पहले से फ़ोटो खींची हुई है तो उससे भी आप स्कैन कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप कैमरे से भी किसी भी फ़ोटो को क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये माई बुकमार्क का ऑप्शन है, जैसे आप न्यूज़पेपर या वोकैब या ट्यूशन वगैरह कुछ भी पढ़ते हो तो बुकमार्क करोगे तो वो यहाँ पे मिलेगा आपको वो मैटर, तो आप बाद में वापस से रिवाइज कर सकते हो। जैसे काफ़ी सारे कन्फ्यूजन वर्ड होते हैं पढ़ते वक्त आ जाते हैं, तो वापस से उस पोस्ट पे जाना काफ़ी सारे भूल जाते हैं, इसलिए बुकमार्क कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगी वो पोस्ट, तो वापस से रिविज़न करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ऑप्शन। तो यहाँ पे भी और कोई कुछ आप डाउनलोड करते हो तो वह यहाँ पे मिलेगा, मैंने कुछ भी डाउनलोड नहीं कर रखा इसलिए आ रहा, सॉरी नो डाउनलोड फाउंड। ये एप्लीकेशन है, कमेंट में ज़रूर बताना ये एप्लीकेशन कैसी लगी, और डाउनलोडिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रही हो, मिल नहीं रही हो, तो कमेंट कर सकते हो, मैं हेल्प कर दूंगा कैसे डाउनलोड करनी है। वैसे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको एप्लीकेशन कैसी लगे। ऐसी और एप्लीकेशन स्टडी से बैंक SSC के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो,
ऐसी और हेल्पफुल एप्लीकेशन आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है उनके बारे में भी बता दूंगा। ये एक व्यूअर ने मेरे साथ रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने इस एप्लीकेशन के का रिव्यू है वो बना के अपलोड किया है। तो अच्छे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी और भी एप्लीकेशन है ऐसे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और भी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो किसी ना किसी का भला हो ही जाएगा, तो इसलिए शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।